कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चोर है, चोर है और चोर है। चुनाव आयोग महा चोर है। सरकार की सहमति में सहमति कर रहा है। मालिक कहेगा वो करना पड़ेगा या मालिक को आंख दिखाएगा, ऐसा नहीं होगा। इधर पेपर है और इधर ईवीएम है। अरे हम तो पेपर चाहते हैं, नहीं चाहते ईवीएम। जिस दिन जनता रोड पर आ गई ना, चुनाव आयोग की चड्डी गीली हो जाएगी। संवैधानिक संस्था को डरा रहे हैं। हम संविधान संस्था को डरा ही नहीं रहे, उसे चोर बना रहे। वो चोर है, वो नालायक है, गधा है। कल सर्टिफिकेट हो गया देश गुलाम है। कल सर्टिफिकेट दिना दिन कैमरा के आगे में बैलेट पेपर पर साइन करके रिजेक्ट करके इधर से उधर गिन देना, ये कौन संवैधानिक कौन मानवता है? जो नींद में सोए हुए हैं वो जग जाओ, देश गुलाम हो चुका है। कल सर्टिफिकेट मिल गया। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जंतर मंतर पर आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ ईवीएम के खिलाफ है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप सामने देख सकते हैं मंच लगा हुआ है और भाषणबाजी चल रही है और दूसरी तरफ मौसम का मिजाज जो है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है। बारिश हो रही है, ठंड भी आज दिल्ली में बहुत ज्यादा है, फिर भी लोग ईवीएम के खिलाफ यहाँ पर हल्ला बोले हुए हैं। आखिर चाहते क्या है आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे, अमल बना रहे, महापुरुषों की विचारधारा से देश चलता रहे, संविधान से चलता रहे। और हम लोग कहते हैं कि ये ईवीएम 200% बैन कीजिए भारत से। धारा 144 लगी है, आप लोग कानून पालन नहीं कर रहे। हम लोग ना कोई किसी को गाली दे रहे, हम लोग ना किसी को कुछ बोल रहे। हम सारे लोग वीएम को बोल रहे कि वीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। देखो जो तानाशाही सरकार है वो नौकरी नहीं दे रही है, बेरोजगारी रख रही है, बेरोजगारी रख रही है। इतने सारे युवा है देश के अंदर बेरोजगार है, उनके पास रोजगार नहीं है। बच्चे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार का ख्याल उनके ऊपर नहीं है, उनका ख्याल सिर्फ। इस भीड़ में आए हुए लोग कौन है, वो कौन है, कौन लोग है? हर राष्ट्र से लोग आए, हर स्टेट से लोग आए, 31 राज्य से लोग आए, पूरे देश के लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और सबका कहना है कि आने वाले समय में मोदी जी कह रहे हैं कि 400% हम लोग सीटें लाएंगे। बहुजन समाज के तख्ती बैनर ले रखे हैं इधर। ये सारे बहुजन समाज के ऐसे है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारे लोग उधर 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग ईवीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम ईवीएम के खिलाफ इसलिए लड़ रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान बचा रहे हैं हम लोग। संविधान को क्या हो गया? अरे संविधान के खिलाफ ही तो ये चल रहा है लोकतंत्र। लोकतंत्र चल रहा है, इस देश का आरक्षण खत्म कर दिया, खाजगीकरण कर रहा है। इन लोगों को सरकार चलाने नहीं आ रही है। अरे सरकार चलाने होती तो ये खाजगीकरण क्यों करते? संविधान जो है बाबा साहब का, नौकरी दी संविधान ने, महिलाओं को बोलने का अधिकार दिया, हमको बोलने का अधिकार आपके सामने दिया। आप भी एक बोल तो रहे हैं ना? हाँ बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं ना। कलम 19 अनुसार हम लोग संविधान के माध्यम से आपके सामने हमारी बात रख रहे हैं। हम लोग लग रहे, मगर आज देखो नेशनल लेवल की एक भी मीडिया यहाँ पे नहीं है। सोशल मीडिया यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, पूरे देश को बता रही है, मगर नेशनल मीडिया नहीं बता रही। अंबानी अडवाणी की मीडिया नहीं है यहाँ पे। 2024 चुनाव से ठीक पहले, हाँ जी, ईवीएम का विरोध बिल्कुल। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चोर है, चोर है और चोर है। चुनाव आयोग महा चोर है, जो उसकी सहमति, सरकार की सहमति में सहमति कर रहा है। चुनाव आयोग का ड्यूटी ये है कि ये पब्लिक का सर्वेंट है, पब्लिक के ऊपर नहीं है। पब्लिक ये डिमांड करती है कि आप सेटिस्फाई करो हमें, हमको संतुष्ट करो कि इसमें चोरी नहीं होती है। आप दिखाइए कैसे नहीं चोरी होती है, आप साबित करो। चुनाव आयोग बार बार कह चुका है कि, मैं भी तो बार बार कह रहा हूँ, ये पब्लिक बार बार कह रही है कि जिस वोट को हम डालते हैं हमारा वोट पता नहीं कहाँ जाता है। कौन भरमा दिया किसको? भरमा के मैं खाना नहीं खाता हूँ। भरमाने वाला कौन होता है? भरमा तो वो भरम सकता है जो कुछ जानता ना हो। मेरी एज हो गई 1984 से, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सारी चीजें झेलते हुए हमको समझाएगा कोई? हाँ, हमको कैसे भरमा सकता है? चुनाव आयोग की गाड़ियां जगह जगह जा रही, जागरूक कर रही कि ईवीएम में धांधली नहीं हो। चुनाव सुनो, चुनाव का मतलब चुनाव आयोग इसलिए जा रहा है, तुमने कहावत सुनी है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जो चोर होता है वो कहता फिरता मैं चोर नहीं हूँ, समझे? अगर चोर नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी जेब में हमारे 500 नोट हैं,
500 का नोट है, अगर तुम चोर नहीं हो तो अपनी जेब हमको खोल कर दिखा दोगे कि ये नहीं है? अगर तुम्हारे पास चोर तो कहेंगे नहीं दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाएगा भाई? माल मेरा, मालिक मैं हूँ और चुनाव आयोग तो मेरा नौकर है। मालिक कहेगा वो करना पड़ेगा या मालिक को आंख दिखाएगा? ऐसा नहीं होगा। दो चीजें हैं, इधर पेपर है और इधर ईवीएम है। अरे हम तो पेपर चाहते हो, नहीं चाहते ईवीएम? तुम छोपने वाले कौन हो? अच्छा ईवीएम के अलावा मोदी नहीं तो कौन, फिर कौन आएगा? अरे देखो आने वाली जनता तय करेगी, मोदी नहीं तो कौन? आने वाली जनता तय करेगी और हमको मोदी नहीं होना। अब मोदी से हम 10 साल से तंग आ चुके हैं, ना नौकरी है, ना कोई रोजगार है, ना बड़े हॉस्पिटल है। लोग कहते हैं मोदी जी के सामने कोई टक्कर में कोई है ही नहीं। अरे ये सारे अंधभक्त है, इनको दूसरा दिखाई नहीं देता क्योंकि मोदी ने इनको कमा के दिया है ना, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग। जो लोग करोड़ों अब्जो रुपए कमा के इलेक्शन में कमा रहे हैं, इन्होंने मोदी ने पूछना चाहिए। 20 लाख वीएम का आ गई, देश का प्रधानमंत्री है मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री है तो 20 लाख वीएम का गायब हुई है, निर्णय आयोग को पूछो, क्यों नहीं पूछ रही? सुप्रीम कोर्ट के वकील आवाज उठा रहे हैं, आप लोग आवाज उठा रहे, लेकिन चुनाव आयोग तभी सुन नहीं रहा ना। चुनाव आयोग सुनेगा क्यों नहीं? क्योंकि जनता सुप्रीम, लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होता है, चुनाव आयोग सुप्रीम नहीं है। जिस दिन जनता रोड पर आ गई ना, चुनाव आयोग की चड्डी गीली हो जाएगी, क्योंकि यानी वो ईवीएम, जो ईवीएम का मामला चल रहा है अभी, आप लोग 2000 संवैधानिक संस्था को डरा रहे हैं। हम संविधान संस्था को डरा ही नहीं रहे, उसे चोर बना रहे, वो चोर है, वो नालायक है, गधा है, वो उसको इतना भी नहीं पता है कैसे क्या करना चाहिए। योलू आयोग की नियुक्ति किसके हाथ में रहना चाहिए? किसके हाथ में रहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रहना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री के हाथ में? ये लोकतंत्र है क्या? राष्ट्रपति के दस्तखत ले लिए ये नियुक्ति कर रहे, और देश का प्रधानमंत्री कभी नियुक्ति नहीं करता निर्णय आयोग को। ये सारा का सारा हमारे देश से रोका हो जा रहा है मोदी, और 2024 में बैठने के लिए ये सारे खेल कर रहा है, मगर ये खेल नाकाम है। सारी मशीन फूटने वाली है, हर गांव में जा रहे कानून हाथ में लेंगे, कानून विरोधी बात कर रहे हैं। अरे पूरी जनता ले ले लिए, संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। जनता गुलाम हो चुका है, कल सर्टिफिकेट मिल गया मोहर लग करके, कल सर्टिफिकेट हो गया देश गुलाम है। कल सर्टिफिकेट दीना दिन कैमरा के आगे में बैलेट पेपर पर साइन करके रिजेक्ट करके इधर से उधर गिन देना, ये कौन संवैधानिक कौन मानवता है? कहाँ कहाँ संविधान है? क्या मीडिया, क्या न्यायपालिका नहीं देखता है? क्या नेता सब जन है ये, नहीं मंत्री संतरी नहीं देखते हैं? क्या हुआ ऐसे? क्या हो गया? देश गुलाम हो चुका है। मैं भारत के मानव रूपी ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो नींद में सोए हुए हैं वो जग जाओ, देश गुलाम हो चुका है। कल सर्टिफिकेट मिल गया, कैसे कैसे? कल जो कल भैया जब मेयर का चुनाव हुआ, और जब जिस तरफ 21 वोट है, आज इस तरफ 12 वोट है, 12 वोट वाले 16 हो गए और 21 वाले को बायलेट पेपर पर साइन कर करके हटा करके जबरदस्ती कैंडिडेट को खड़ा कर देना, तो और रावण क्या करता था? और क्या करता था? बीजेपी के लोग कहते हैं मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास। अरे भैया मैं दे रहा हूँ जवाब, ऋषि मुनि का शब्द क्या होता? अमर होता, सत्य होता, जैसे भारत की संविधान का बात सत्य होता है, उसी तरह ऋषि मुनि का भी बात सत्य होता था उस जमाने में। उसको जो है ना रावण परेशान करता था, यातना देती थी, उसका तपस्या भंग। उसी प्रकार जो मानव सत्य की मार्ग पर चलना चाहते हैं, वो सब सबको जो है ना न्याय से भटका दिया है, देश को अन्याय की ओर लूट लिया, देश को लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। ये हिसाब से देश लूट लिया, कहाँ से आए? अमरावती महाराष्ट्र से आए सर। क्या जरूरत पड़ गई यहाँ? इसलिए है कि बार बार विरोध करके, धरना प्रदर्शन करके, जिला कलेक्टर के धरना प्रदर्शन करने के बाद में भी भारत में तानाशाही चालू रहे, ये मशीन हटाने की जो मांग कर रही है उसके विरोध में कोई भी आज बता नहीं रहा। आपको मीडिया से सवाल है कि आप ही जो मीडिया है, जो बड़ा मीडिया है, गोदी मीडिया, वो क्यों नहीं आ रहा है? मीडिया से नाराज, ईवीएम से नाराज, मोदी जी, तो जो देश में चल रहा है, जो वातावरण माहौल बन रहा है, वो नाराजगी का कारण ही ये मशीन है। उसके द्वारा से तानाशाही कर जाइए, एक एक काला कानून पास किया जा रहा है,
चुनाव आयोग कर रहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, आप क्यों नहीं विश्वास? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ईवीएम मशीन से पारदर्शक चुनाव नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट में कई मामले पेंडिंग पड़े हैं, तो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कोई कोर्ट नहीं है। तो विरोध बीजेपी ने किया है, सुब्रमण्यम के स्वामी जी थे, उन्होंने जापान में जाके ये वीएम जहाँ वोटिंग मशीन बनती है वहां से उनका रिपोर्ट लाया कि वीएम मशीन में घोटाला किया जाता क्या, तो घोटाला होता है। उन्होंने सब कहा तुम्हारे भारत के लोग बेवकूफ है, मशीन यूज कर रहे, हम तो नहीं कर रहे, हम बनाने के बाद भी नहीं कर रहे, मगर आपके करे। तो इन्होंने वो पूरा रिपोर्ट ला के सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दिया सुब्रमण्यम स्वामी ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस जंतर मंतर पर। आप एक एक तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं ईवीएम के खिलाफ। इनका साफ कहना है कि ईवीएम से चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है और इसी के खिलाफ ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं।